नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। सचिवालय के घेराव करने पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा, हमारे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोका, मैं दूसरे रास्तों से यहां पहुंचा हूं। बीजेपी में नपना मार्च के लिए महानगर और हावड़ा में राज्य के विभिन्न हिस्सों से अपनी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को लाने के लिए कई ट्रेनें भी बुक की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को बयान दिया है कि 20 लाख रोजगार के दावे को लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और अपने वादे पर कायम है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है वो कुछ दिन रुके फिर देखे कि सरकार 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करेगी या नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुरारी थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने को दोषी ठहराया गया है। अब इस मामले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर आपका एक बार फिर घिनौना सामने आया है। कल स्पेशल कोर्ट ने दो विधायक को दोषी करार दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की और दंगा भड़काया है। एक बार फिर आपकी दंगाई मानसिकता और झूठ बोलने की मानसिकता सामने आई है। 2000 में कहते थे ना कि नो करप्शन, लेकिन अब यही है, एक भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है जो पुलिस कानून संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। दमन दीव में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश जेडीयू यूनिट के 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब दादर नागर हवेली भी जेडीयू मुक्त हो गया है, अभी अनेक राज्य इकाइयों में विद्रोह होना बाकी है। सुशील मोदी के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए सुशील जी, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, देश को सांप्रदायिकता, महंगाई व बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनेगा। ज्ञान वापिस सिंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने पन्ना फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया और अगली सुनवाई 22 सितंबर को होने की बात की। वहीं अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि 1991 में संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक स्थलों पर 1947 वाली यथास्थिति बरकरार रहेगी और इसके खिलाफ कोई भी विवाद वैध नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किस स्पॉन्सर एमपीएल स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च होने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि फैंस के तौर पर आपने ही हमें क्रिकेटर बनाया है। श्रेयस कहते हैं कि आप लोग जो उत्साह बढ़ाते हैं उसके बिना खेल में वो मजा नहीं आता। इसके बाद हार्दिक पांड्या फैंस से टीम इंडिया की नई जर्सी में हिस्सेदार बनने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इस महीने के आखिरी में 28 से 30 सितंबर तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी। एमपीसी इस बार पर रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ ही बैंक से कर्ज लेना और होम लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी। आरबीआई ने बैंकों के दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर 3 महीने में 1.40% बढ़ाया है। ट्विटर की तरह इंस्टाग्राम पर भी रिपोस्ट का एक नया फीचर जल्द पेश होने वाला है। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो अपने यूजर्स के लिए रिपोस्ट का फीचर पेश करने वाले हैं। बता दें कि कंपनी इंस्टाग्राम रिपोस्ट फीचर की टेस्टिंग कुछ यूजर्स के साथ कर रही है। आगामी महीनों में इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए पेश कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम रिपोस्ट फीचर को प्रोफाइल सेक्शन पर टैग ऑप्शन के बगल में देंगे। अरविंद केजरीवाल गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उनसे जब पुलिसकर्मियों के साथ हुई तीखी बहस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, क्या एक स्टेट की पुलिस यह कह सकती है कि मुख्यमंत्री अगर ऑटो में जाएगा तो हम सुरक्षा नहीं दे सकते, मैं दिल्ली पंजाब में ऑटो में चलता हूं। उनका मकसद मुझे सुरक्षा देने का नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकने का। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो जनता को केजरीवाल से काट सके। गुजरात के गांधीनगर में सरकार और भारतीय कंपनी वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप की साझा सेमीकंडक्टर इकाई गुजरात में लगने जा रही है। राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई से यह क्षेत्र इसका हब बनेगा।
भारत ने रूस के साथ युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में यूरोपीय राष्ट्र की मदद करने के अपने प्रयास के तहत सोमवार को यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। इसमें आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल है। एक ट्वीट में कहा कि राजदूत हर्ष कुमार जैन ने यूक्रेन के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेक्सकी इरोमेंको को यूक्रेन के लोगों के लिए आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त भारत से मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन मंगलवार को कजा कुटुम के निकट कन्यापुरम से शुरू हुआ, जहां यात्रा पिछले दिन समाप्त हुई थी। इसके तहत 150 दिनों में पदयात्रा करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी ने सातवें दिन की यात्रा में ट्वीट किया था कि भारत का सपना टूटा है, बिखरा नहीं है। उस सपने को साकार करने के लिए हम भारत को एक साथ ला रहे हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा हो गई है, हमने अभी शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने ड्राइवर और अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार व विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन है। बता दें कि भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर 39 पदों पर भर्तियां होंगी। ऐसे में इच्छुक योग्य उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमांड बैलाउड स्टेट टाइगर गेट के पास भेज सकते हैं। तेलंगाना विधानमंडल ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का आग्रह किया गया। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव पारित किया। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के टी रामा राव ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता ने ताइवानी कंपनी फैक्सपॉन के साथ मिलकर गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। इस पर 2000 करोड़ रुपए डॉलर खर्च किए जाएंगे। फरवरी में वेदांता ने चिप बनाने का फैसला किया था और इसे लेकर फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक भी कंपनी की लिस्ट में थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यकारी समिति ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डी नोवा श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एनसीईआरटी को जो दर्जा मिलेगा वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री देने की अनुमति मिलेगी। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम शुरू हो गया है। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियों का विसर्जन करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजा गया श्रद्धांजलि संदेश पढ़ रहे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पर गुर्जर समाज के लोगों ने जूते चप्पल फेंके, जिसके बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे सचिन पायलट को धमकी देते हुए लिखा, मुझ पर जूता फिकवा कर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और यह मैं चाहता नहीं हूँ। अभिनेत्री कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी में एक नाम और जुड़ गया है। फिल्म इमरजेंसी में साउथ सिनेमा का चर्चित एक्टर विशाक नायर भी नजर आने वाले हैं। फिल्म से विशाक नायर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। पोस्टर में आपको विशाक नायर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भूमिका में दिखेंगे। विशाक ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, संजय गांधी का किरदार निभाने का लेकर बहुत हूँ सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। विशाक ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, संजय गांधी का किरदार निभाने को लेकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कंगना रनौत द्वारा निर्देशित इमरजेंसी की एक महान टीम के साथ जुड़कर बहुत खुश हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार 13 सितंबर 2022 को ट्विटर पर एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या 50 मिलियन के पार हो गई है। भारत में अब उनका तीसरा सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट हो गया है। मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने मंगलवार को पूछा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केवल मदरसों का ही सर्वे क्यों करा रही है। AIMIM नेता ने कहा कि यूपी सरकार को मदरसों के साथ साथ सरकारी मिशनरी और प्राइवेट स्कूलों का भी सर्वे कराना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश में अगर गलत चीजें होंगी तो वह उसके खिलाफ अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत में पेश हुए और अदालत ने पुलिस न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत 20 सितंबर को बढ़ा दी। गौरतलब है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में भाषण देने के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था।
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण रविवार को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। अभ्यास में जापानी युद्ध पोतों में JMSGF के जहाज इजुमो, एक हेलीकॉप्टर कैरियर और एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक ताकानामी शामिल है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्ध पोत INS सह्याद्री, एक निर्देशित मिसाइल फिग्रेट और पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS कदमत और INS कवरत्ती द्वारा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता और कार्यकर्ता TMC सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान भाजपा नेताओं को रोका गया तो वे पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने अलीपुर में शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के राज्य महासचिव लॉकेट चटर्जी के साथ राहुल सिन्हा को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सिंध प्रांत का है जहां बाढ़ में सबसे खराब हालत है। पुलिस ने पत्रकार नरसल्ला गद्दानी को पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्दशा पर रिपोर्टिंग करने के आरोप में 5 दिन के रिमांड पर ले लिया। पत्रकार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने भागड़ी समुदाय के लोगों को हिंदू होने के कारण बाढ़ राहत शिविर से निकाल दिया था। कवरेज का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव पर मेहरबान हो गए हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी और उसमें ये मांग की है कि विधानसभा में चाचा के लिए आगे की सीट दी जाए। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद तमाम मौकों पर जग जाहिर हो चुके हैं। यादव ने कहा कि वह अब समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। 60 साल बाद भारतीय रेलवे का एक कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तेज स्पीड में चलने वाली ट्रेनों के पहिए भारत में ही तैयार किए जाएंगे। बता दें कि व्हील्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निवेश करने वाली कंपनी से रेलवे सालाना 600 करोड़ रुपए के 80,000 व्हील्स खरीदेगा। हाल ही में ICF चेन्नई में 75 वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम शुरू होगा। इससे देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। डॉलर में गिरावट और विदेशी निवेश की आमद में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 69.12 पर पहुंच गया है। वह पिछले महीने में रुपए का सबसे मजबूत स्तर है। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 69.12% पर कारोबार कर रहा था, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 69.52 बंद हुआ था। डॉलर की कमजोरी और इनलाइन CPI डाटा जारी होने के बाद रुपए में मजबूती आई है। कांग्रेस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर विज्ञापन वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस पार्टी को अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी कहना उचित रहेगा। पार्टी प्रवक्ता अजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि अपनी काम बनता भाड़ में जाए जनता, यह अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी अरविंद एक्सर्स पार्टी या अरविंद ऐश पार्टी की हकीकत है। इस पार्टी की विज्ञापन वाली राजनीति है जिस पर बात करना जरूरी है। क्रिकेट के सबसे तेज और मनोरंजक प्रारूप अबू धाबी T10 ने राजीव खन्ना को टूर्नामेंट के आगामी सत्र के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। खन्ना समग्र प्रबंधन और प्रतियोगिता संचालन के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के CEO, राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष और वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार के रूप में काम किया है। अबू धाबी T10 अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में 23 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2022 तक खेला जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार का जनहित का एक विज्ञापन एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस विज्ञापन को लेकर लोगों का कहना है कि यह दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। एक मिनट के इस विज्ञापन में विदाई के रस्म को दिखाया गया है। वे इस विज्ञापन में पिता से कहते हुए दिखते हैं कि वह अपनी बेटी को मौजूदा 2 एयरबैग वाले वाहन के बजाय 6 एयरबैग वाले वाहन में विदा करे। इस बात पर लड़की के पिता भी सहमत हो जाते हैं। ऐसे में शिवसेना के दो नेता प्रियंका चतुर्वेदी और साकेत गोखले ने इस विज्ञापन की निंदा की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विषम कुमार, नन्नू कुमार, जवाहर सिंह, KK सिन्हा, सान कश्यप। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत में अब तेज स्पीड में चलने वाले ट्रेनों के पहिए तैयार किए जाएंगे, इससे देश मजबूत होगा या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।